हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके हैं फुल हिस्ट्री ऑफ उमर बिन खत्तब। एंड मेनली ये वो आदमी है जिन्होंने, मतलब आप कह सकते हो, पूरी दुनिया में अपना मुस्लिमों का नाम बनाया था और फिर उनसे सब लोग डरते थे बहुत ज़्यादा। तो ये अब कैसा है, इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है? बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की ऐसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक हमने अभी हज़रत अली की हिस्ट्री देखी, तो उनका वो वन ऑफ द मोस्ट, आप द मोस्ट आप कह सकते हो, पावरफुल सोल्जर्स में से थे। लाइक पूरी आर्मी में जोश आता था जब उनको पता लगता था कि वो आए हैं। एंड उनकी फिर जो जिस तरीके से वो अटैक करते थे वो अलग ही चीज़ होती थी। अब यहाँ पर ये सोल्जर के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। जैसे हज़रत अली की तो फिर भी हमने काफ़ी सारी नात भी सुनी हुई है, लेकिन इनके बारे में हमने कभी कुछ सुना नहीं, कुछ पता नहीं इनके बारे में। सो देखते हैं कौन। और मैं ये देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने वॉरियर्स देखे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। और सिर्फ ये सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं थे, इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये भी उनसे पावरफुल थे, वैसे ही पावरफुल थे, और इंटेलेक्चुअली भी क्या उतने ही स्ट्रांग थे। तो मेरे को वो भी देखना। और हम लोगों ने इतने वॉरियर्स देख लिए जो आज तक कोई जंग ना हारा है ना, और जिसने मतलब गेट जहाँ पे 400 हाथी लगते हैं खुलने के लिए, सॉरी 40 हाथी लगते हैं खुलने के लिए, वो दो उंगलियों से खोल देते हैं। तो लाइक मैंने ये देखना है कि इनकी खासियत क्या है, तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली, भाई देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वो क्या अजीम शान हस्ती थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजर सकता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, उस दिन मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जितना बोला जाए उतना कम है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक अरब के सबसे बड़े और रईस खानदान कुरैश से था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश खानदान से थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आठवीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लकब से खिताब किया। फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला। फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में ऊँटों को चराया करते थे, फिर जब जवान हुए तो सिपहसालारी, घुड़सवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने गजब के पहलवान थे कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में पछाड़ दिया करते थे। जमाना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आप तिजारत का पेशा करते थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम अपनाने वाला वाकया बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। एक बार मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके लिए तैयार हो उठे, अपनी तलवार उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े। बड़े शदीद गुस्से में चलते जा रहे थे, तभी रास्ते में नौईम मिले। नौईम ने कहा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? किधर का इरादा है? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नौईम ने कहा, अरे मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद, वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी। अंदर गए और अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी, तो उनकी बहन डरती हुई बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के थक गए तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन फातिमा बोली, उमर तुम जितना चाहो हमें मारो, हमारी हड्डियाँ तोड़ दो, गर्दने उड़ा दो, मगर हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं। इस बात पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थोड़े ठंडे हुए, इमोशनल हुए, तो कहा, अच्छा चलो मुझे ये कुरान दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जैसे कुरान की सूरह तौबा पढ़ते गए, उनका दिल पिघलता गया और अल्लाह ने उनके दिल में ईमान को दाखिल कर दिया। इसके बाद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन के घर से निकले और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। देखिए अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। वो उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकला था, वो अब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर उनके पास जा रहा था। जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सहाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली, मगर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए मोहम्मद के पास आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आपने बड़ी ही जोर की आवाज में तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा खुशी से उछल पड़े और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हुई जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ए अल्लाह,
दो उम्रों से इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुशरिकीन मक्का में हाहाकार मच गया। उस वक्त मुसलमान काबा में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, मगर जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उसी दिन से मुसलमान खुले आम नमाजें पढ़ने लगे और किसी मुशरिक की हिम्मत ना होती कि मुसलमानों को रोक सके। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रंग सफेद था मगर सुर्खी उनके चेहरे पर गालिब थी। कद निहायत लंबा, पैदल चलते तो ऐसा लगता कोई सवारी पर जा रहा हो, इतने लंबे थे। गालों पर गोश्त कम था, दाढ़ी घनी, मूंछें बड़ी और सर के बाल आगे से उड़ गए थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में ही इराक और ईरान को मुसलमानों ने फतह किया था। इन मुल्कों की फतह के लिए जो जंग लड़ी गई उसे कादिसिया की जंग कहते हैं। ये जंग इस्लाम के इतिहास की निर्णायक जंगों में गिनी जाती है। ये जंग दजला नदी के किनारे लड़ी गई। इसमें 30,000 मुसलमानों ने 60,000 आतिशपरस्त ईरानियों को शिकस्त दी थी। नदी के एक तरफ दुश्मन तो दूसरे किनारे पर मुसलमान। एक तो मुसलमानों के पास हथियार और जंगी साधु सामान कम थे तो दूसरी ओर नदी को पार करना मुसलमानों पर मुश्किल गुजर रहा था। इस कादिसिया जंग में मुसलमानों की सिपह सालारी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। जब साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की इस परेशानी को देखा तो अल्लाह का नाम लेकर अपना घोड़ा नदी में उतार दिया। अपने सरदार को आगे बढ़ता देख बाकी मुसलमानों ने भी अपने घोड़े नदी में उतार डाले और इस तरह पूरी फौज बिना पुल के ही नदी पार कर गई। ईरानी ये समझते थे कि मुसलमान नदी को पार नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब मुसलमानों ने नदी को पार कर लिया तो उन ईरानियों के हाथ पांव फूल गए और वो ऐसे डरे कि देव आ गए कहते हुए भाग खड़े हुए। फिर एक बड़ी जंग हुई और मुसलमानों ने ये जंग जीत ली और फिर 4-5 सालों के अंदर अंदर इराक व ईरान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। कादिसिया की जंग में आया खजाना व माले गनीमत। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मदीना भेजा गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे देख कर रो पड़े। लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो खुशी की बात है, आप रोते क्यों हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रोता हूँ कि माल व दौलत की इस बहुतायत में मुझे मुसलमानों की बर्बादी नजर आती है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई भी पूरी हो गई जिसमें प्यारे नबी ने कहा था कि एक दिन ईरान की सासानी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। शाम व मिस्र की फतह के लिए मुसलमानों ने जो कारनामे किए वो ईरान की फतह से कम नहीं थी। रोम की सल्तनत दुनिया की शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी जाती थी और रोम का बादशाह हिरक्कल अपने दौर का सबसे बड़ा सिपहसालार था, मगर मुसलमानों के मुकाबले में हिरक्कल भी बेबस हो गया। मुसलमानों की लगातार कामयाबियों को देखकर एक बार हिरक्कल ने अपने साथियों से पूछा कि जब वो मुसलमान हमसे तादाद, हथियार और हर तरह के साजो सामान हर चीज में कम है तो फिर हम उनके मुकाबले में कामयाब क्यों नहीं होते। एक साथी ने जवाब दिया कि मुसलमानों के अखलाक हमारे अखलाक से अच्छे हैं। वे रात में इबादत करते हैं और दिन में रोजे रखते हैं। वे किसी पर जुल्म नहीं करते, एक दूसरे से बराबरी का सलूक करते हैं। इसके विपरीत हमारा ये हाल है कि हम शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के हर काम में उत्साह और जोश भरा रहता है और हमारे काम इन खूबियों से खाली होते हैं। यरमूक की जंग में मुसलमानों ने 70,000 से ज्यादा रूमियों को मौत के घाट उतार दिया जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 3,000 मुसलमान शहीद हुए। यह जंग हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैरत अंगेज फौजी सलाहियत का सबूत थी। यह जंग हारने के बाद रोम का बादशाह हिरक्कल सीरिया छोड़कर कुस्तुनतुनिया भाग गया। शाम यानी सीरिया की फतह में एक अहम घटना बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्जा है। बैतुल मक़दिस जिसे आज जेरूसलम कहा जाता है सीरिया के इलाके में फलस्तीन में स्थित है। मुसलमानों का किबला अव्वल इसी शहर में था और यही वह स्थान है जहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमान की ओर रवाना हुए थे। जब मुसलमानों ने इस पाक शहर पर घेरा डाल दिया तो ईसाई इस शर्त पर शहर को मुसलमानों के हवाले करने और सुलह करने को तैयार हो गए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आकर सुलहनामा लिखे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी सूचना दी गई तो वो तैयार हो गए और मदीने में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करके बैतुल मक़दिस की ओर रवाना हो गए। यह सफर उन्होंने इस सादगी से तय किया कि सिर्फ एक गुलाम उनके साथ था और ऊंट पर वो दोनों बारी बारी बैठ कर सफर करते थे। यानी एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट पर बैठते और दूसरी बार उनका गुलाम ऊंट पर सवार होता और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट की नकेल पकड़ कर पैदल चलते। जरा सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा सल्तनत का बादशाह अपने गुलाम को अपने ऊंट पर बिठाकर पैदल सफर करता है। कितनी बड़ी बात है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े भी इतने सादा थे कि मुसलमान आपको उन कपड़ों में शहर वासियों के सामने पेश करने से झिझक रहे थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है, इन कपड़ों की वजह से नहीं। और आप उन्हीं कपड़ों में बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और ईसाइयों को सुलहनामा लिख कर दिया जिसमें उनकी जान, माल और मजहब की जमानत दी।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुल 10.5 साल खिलाफत की, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसी विशाल हुकूमत कायम कर दी जो अपने क्षेत्रफल और शक्ति के लिहाज से अपने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना सिर्फ जंग की कामयाबियों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि न्याय, इंसाफ, प्रजा पालन और शासन व्यवस्था की खूबियों के कारण मशहूर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की बड़ी बात है, पहली बार विभिन्न प्रशासनिक विभाग कायम किए गए और सरकारी आमदनी व खर्च के बकायदा हिसाब तैयार किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज कहलाते थे। प्रशासन व्यवस्था के सिलसिले में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कदम उठाए और जो सुधार किए, उन्हें इस्लामी इतिहास में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियात यानी प्राथमिकताएं कहा गया है। यानी वे काम जो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किए, इन अव्वलियात की सूची बहुत लंबी है। यहाँ मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के द्वारा किए गए सुधार की अहमियत का अंदाजा होगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सल्तनत को सूबों में बांटा, फौजी विभाग कायम किए, वित्त विभाग कायम किए, पुलिस विभाग कायम किए जिसे अहदास कहा जाता था, अदालतें कायम की, बैतुल मॉल कायम किए, जमीन का माप करवाया, जनगणना करवाई, जेल कायम किए, खबरें हासिल करने के लिए पर्चा दर्ज मुकर्रर किए, और मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मकतब और मदरसे कायम किए और उस्तादों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मक्का और मदीना के बीच चौकियां कायम की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन सुधारों के बाद इस्लामी खिलाफत जो पहले ही क्षेत्रफल के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से भी अपने दौर की एक निहायत ही संगठित और व्यवस्थित हुकूमत में बदल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक और बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने अपने शासनकाल में तमाम मुसलमानों के वजीफे मुकर्रर कर दिए थे और वे इसे अपनी पूरी सल्तनत में फैला देना चाहते थे। इस बात को आप इतना महत्व देते थे कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाता था। पहले उन्होंने यह नियम बनाया था कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और माँ का दूध पीना छोड़ देता था तब वजीफा मुकर्रर किया जाता था। मगर एक रात आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला रही। यह देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा, तुम इस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही? वो औरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शक्ल से नहीं पहचानती थी, तो उसने जवाब दिया, मैं इसका दूध छुड़वाना चाहती हूँ क्योंकि उमर उस वक्त तक वजीफा मुकर्रर नहीं करता जब तक बच्चा दूध पीना न छोड़ दे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे इस हुक्म के कारण कि जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए और अपनी माँ का दूध पीना न छोड़ दे, न जाने कितने बच्चे माँ के दूध से महरूम रह जाते होंगे। इसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हुक्म जारी किया कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। वजीफों का यह प्रबंध दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वजूद में आया जो रफाही मुमलिकत कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। पूरा मॉडर्नाइजेशन। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बैतुल माल का रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, वह बैतुल माल को जनता की अमानत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी और यह तनख्वाह उतनी ही थी जितने आम मुसलमानों की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लकब इख्तियार किया। इसके बाद जितने भी खलीफा हुए वे भी अमीरुल मोमिनीन कहलाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी जिंदगी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनवाया और न ही माल व दौलत इकट्ठा की। उन पर कोई भी शख्स आरोप लगा सकता था और मुकदमा चला सकता था। एक बार माले गनीमत में चादरें भी आई, ये चादरें मुसलमानों में बांट दी गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में भी एक चादर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यह चादर ओढ़े मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, एक बद्दू यानी एक देहाती उठा और उसने कहा, उमर हम तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मेरे हिस्से की चादर चूंकि छोटी थी इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से में आई चादर को अपनी चादर में जोड़ लिया। सोचिए दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और उससे एक देहाती सवाल करे और उसको इतने प्यार से जवाब भी दिया। सोचिए आज के वक्त में ऐसा हो सकता है? नहीं, आज तो अगर हुकूमत से सवाल किया जाए तो वो सवाल करने वालों को देशद्रोही ठहरा देती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसका बहुत ख्याल रखा करते थे कि जनता पर जुल्म न हो। मदीने में वे खुद रातों को गश्त किया करते थे। हज के मौके पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुंचते तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे खुद पूछते कि उनका हाकिम उनका शासक कैसे राज करता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौके पर हाजिर होने का हुक्म था।
जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शासक से जवाब तलब करते थे और शिकायत करने वालों की शिकायत दूर करते थे। हिजरी सन जो इस्लामी दुनिया में राइज है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शासन काल में 3 शहर बसाए, उनके नाम कूफा, बसरा और फिस्तात है। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कृषि के विकास के लिए, आज उनका नाम क्या है, और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, जनता की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी के एहसास हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वे कारनामे और खूबियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको फारूक आजम कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिशपरस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर चुपकर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिशपरस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। क्या कमाल की वीडियो थी यार। और जिस हिसाब से मतलब जो उमर थे उन्होंने काम किए थे ना, वो लिटरली आज के टाइम में कोई कर ही नहीं सकता। और उन्होंने इतना कुछ किया इस्लाम के लिए, और मोस्टली पहले ये था कि वो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते थे, स्टिल उनको उन्होंने अपनी बहन को, अपने बहन के हस्बैंड को इतना मारा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कुरान पढ़ी तो वो खुद ही वो ऐसे हो गए कि नहीं यार मेरे को भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए अपना रिलीजन। और मेरे को सबसे मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे शॉकिंग वो तब लगा कि जब वो मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे वो प्रोफेट मोहम्मद को मारने चले थे लेकिन वो उसके बाद गुलाम बन गए उनके, तो यार वो कितनी बड़ी बात थी। फिर उसके बाद जब उनसे किसी ने वो वाला पूछा कि वो चादर वाला किस्सा आया कि आपको ये चादर किसने दी, तो भी मुझे ऐसे बहुत लगा कि यार देखो उनको इतने बड़े वो राजा आए। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आज के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो देश चला रहे वो मतलब बहुत ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें पहनते हैं, उनके कार्स महंगे होते हैं, उनके घर बहुत महंगे होते हैं। और ये ऐसे थे कि इनका घर भी नहीं था, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस्लाम को लेकर चले थे, इवन इन्होंने देखा जाए गवर्नमेंट उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना तरक्की करी थी। और ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी जो कि पता भी नहीं था लोगों को क्या होती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सब के बाद ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे कि मतलब जो वो ऊँट वाला किस्सा आया कि ऐसे करके इन्होंने अपने नौकर को भी ऊँट पर चला रहे थे और खुद भी बार बार आ रहे थे, वरना इनको क्या ही ज़रूरत थी। तो इससे पता लगता है कि यार वो सीरियसली बहुत ही अच्छे इंसान थे। वही वो एक लीडर थे, वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बिकॉज वो वॉरियर वाइज तो वो बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने साथ में किस तरीके से वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, सब एजुकेशन लेके आए, फिर उन्होंने किस तरीके से लाइब्रेरीज बिल्ड की, सब चीज़ बिल्ड की और एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया हर एक चीज़ का। लाइक वो बहुत ज़बरदस्त था। लाइक उन्होंने जब देखा कि उन्होंने वो 2 साल का एक रखा हुआ था, एक बैरियर रखा हुआ था, और जब उन्होंने देखा कि एक वो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही क्योंकि उसको था कि वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वो बैरियर भी हटा दिया कि नहीं भाई आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो वो लोगों से मिलना चाहते थे और वो लोगों से मिल के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करते रहते थे। तो वही वो बताते कि लाइक 10-12 साल शायद उनका कुछ चला था, लेकिन वो जब उनका राज था ना तो वो बेस्ट टाइम था, बिकॉज वो 3-4 सिटीज़ के अंदर उन्होंने बेस्ट काम कर दिया था और इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम बिठा दिया था जो काफ़ी हद तक लाइक आज तक लोग देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी वो सिटीज़ एक्चुअली अभी वो कौन सी हैं, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इनके लिए कि उस टाइम में अलग से कुछ करके दिखाना, वरना उस टाइम में आपके लिए बहुत ईजी जॉब था कि आप जाके बस राजा बनो और लूटपाट के आराम से खाओ। लेकिन उन्होंने आराम से अपनी सैलरी भी रखी हुई थी और उसी सैलरी पर खुद बेच रहे थे, वरना कौन सा राजा होता है जो खुद की सैलरी रखता है। तो यार हैट्स ऑफ है, और ये बहुत ही कमाल की वीडियो लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।